प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी, इसका लेसन नंबर 9 एंजाइम, आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 9 को हमने पार्ट नंबर यानी भाग 21 में प्रारंभ किया था। आज का हमारा पार्ट नंबर 22 है। पार्ट नंबर 21 में हमने यानी भाग नंबर 21 में हमने एंजाइम की परिभाषा, एंजाइम की हिस्ट्री यानी जो इतिहास है उसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। उसके पश्चात हमने एंजाइम की संरचना को भी प्रारंभ कर दिया था। तो आज पुनः एक बार उसी टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं, एंजाइम की संरचना। देखिए, एंजाइम की संरचना में मैंने पिछले टर्म पर ही बताया था कि जो होलो एंजाइम है किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों के बारे में हम थोड़ा सा आगे तक पढ़ लिया था। तो एक बार होलो एंजाइम को मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि एंजाइम के प्रोटीन भाग व एप्रोटीन भाग को सम्मिलित रूप से होलो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग व एप्रोटीन भाग को सम्मिलित रूप से होलो एंजाइम कहते हैं। देखिए, होलो एंजाइम होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सहकारक। तो एपो एंजाइम है, ये तो होता है प्रोटीन भाग और ये सहकारक होता है एप्रोटीन भाग। अभी मैंने इसकी होलो एंजाइम परिभाषा में ये बताया है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग तथा एप्रोटीन भाग को सम्मिलित रूप से होलो एंजाइम कहते हैं। और होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सहकारक, तो एपो एंजाइम तो इसका प्रोटीन भाग और सहकारक है एप्रोटीन भाग। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग का नाम बताइए, एपो एंजाइम। होलो एंजाइम के एप्रोटीन भाग का नाम बताइए, तब आपका उत्तर हो जाएगा सहकारक, या फिर इसको अंग्रेजी बोलते हैं कोफैक्टर। आगे हम एपो एंजाइम के बारे में अध्ययन करते हैं। एपो एंजाइम, तो इसकी परिभाषा, होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग, होलो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। एपो एंजाइम एंजाइम का महत्वपूर्ण भाग होता है। एपो एंजाइम में कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जहां पर क्रियाधार सबस्ट्रेट आकर जुड़ते हैं। ऐसे स्थानों को सक्रिय स्थल यानी एक्टिव साइट कहते हैं। तो होलो एंजाइम का एपो एंजाइम वाला भाग पूर्ण होता है। अब दूसरा भाग लेते हैं सहकारक। सहकारक अंग्रेजी में कोफैक्टर। तो सहकारक, देखिए इधर,
होलो एंजाइम का एप्रोटीन वाला भाग सहकारक कहलाता है। सहकारक को तीन प्रकारों से बांटा जा सकता है। सहकारक को तीन प्रकारों से बांटा जा सकता है, जिसमें पहला भाग है प्रोस्थेटिक समूह है, नंबर दो है सह एंजाइम, इसको अंग्रेजी में को एंजाइम कहते हैं, और तीसरा है सक्रियक एक्टिवेटर। होलो एंजाइम का एप्रोटीन भाग सहकारक या कोफैक्टर कहलाता है। सहकारक को तीन प्रकारों से बांटा जा सकता है, इसमें पहला है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा है सह एंजाइम और तीसरा है सक्रियक। तीनों का हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो सहकारक के जो तीन प्रकार हैं उनमें पहला प्रकार है प्रोस्थेटिक समूह। तो जब कार्बनिक प्रकृति का एप्रोटीन भाग, जब कार्बनिक प्रकृति का एप्रोटीन भाग, कौन सा भाग, एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम प्रोटीन भाग है, एपो एंजाइम से सघनता से एवं दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है, तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। देखिए प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं, जब कार्बनिक प्रकृति का एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से सघनता से एवं दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है तो इसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जैसे प्रोस्थेटिक समूह का एग्जाम्पल है साइटोक्रोम, इसके अलावा फ्लेवो प्रोटीन। सहकारक का जो दूसरा भाग है वह सह एंजाइम, यानी कि अंग्रेजी बोले तो को एंजाइम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब एप्रोटीन भाग एपोप्लास्ट से एपो एंजाइम से, एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, सह एंजाइम किसे कहते हैं, जब एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से, एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से, एपो एंजाइम है प्रोटीन भाग, जब एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से डीले अथवा आसानी से अलग होने एवं पुनः जुड़ने योग्य रूप में हो तो इसे सह एंजाइम कहते हैं। देखिए सह एंजाइम किसे कहते हैं, जब एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से, जब एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से डीले अथवा आसानी से अलग होने एवं पुनः जुड़ने योग्य रूप में हो तो इसे सह एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम की ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार पुनः रिवाइज करवाता हूँ। सह एंजाइम से क्या तात्पर्य, जब एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से डीले अथवा आसानी से अलग होने एवं पुनः जुड़ने योग्य रूप में उपस्थित हो तो इसे सह एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम जैसे उदाहरण देखते हैं, इसमें NAD, NADP, FAD, इसके अलावा को एंजाइम ए आदि। यहाँ ये NADP है, इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है,
ये आपके एनएडीपी है, ये आपके चैप्टर नंबर लेसन नंबर 10 जो प्रकाश संश्लेषण का है उसमें क्वेश्चन भी है। तो यहीं से हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एनएडीपी का पूरा नाम क्या होता है। निकोटिनेमाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। देखिए एनएडीपी का पूरा नाम, ये इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म में, तो इसका पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये एनएडी, एनएडीपी, एफएडी और कोएंजाइम ए सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। तो सहकारक को फैक्टर के दो भाग पूरे हो गए, जिसमें एक नंबर प्रोस्थेटिक समूह है और दूसरा सह एंजाइम। तीसरा भाग है सक्रियक जिसको अंग्रेजी में एक्टिवेटर कहते हैं। जब एप्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो तो इसे सक्रियक या एक्टिवेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे धातु आयन के रूप में, जैसे एपी, यहाँ पर एपी एक्टिवेटर का एग्जाम्पल है। तो एक्टिवेटर किसे कहते हैं? जब एप्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो तो इसे सक्रिय कहते हैं, जैसे एपी। अब देखिए हमने होलो एंजाइम के बारे में अध्ययन कर लिया। होलो एंजाइम, इसके दो भाग, एक एपो एंजाइम जो प्रोटीन भाग है और दूसरा सहकारक को फैक्टर जो एप्रोटीन भाग है। सहकारक के तीन प्रकार हैं, जिसमें पहला हमने प्रोस्थेटिक समूह पढ़ा और दूसरा पढ़ा को एंजाइम। तो यहां पर होलो एंजाइम है और एक है को एंजाइम। तो होलो एंजाइम से को एंजाइम को फर्तक किया जा सकता है। तो होलो एंजाइम से को एंजाइम को फर्तक करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो विधि अपनाई जाती है वह है डायलिसिस। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि होलो एंजाइम से को एंजाइम को किस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से फर्तक किया जा सकता है? डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा होलो एंजाइम से को एंजाइम को फर्तक किया जा सकता है। तो एंजाइम की संरचना वाला टॉपिक पूरा होता है, नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसमें एंजाइम के विशिष्ट गुण या फिर विशेषताएं क्वेश्चन के रूप में गुण भी पूछा जा सकता है और विशेषताएं भी पूछी जा सकती है, कोई भी एक हो सकता है, दोनों सेम है। तो देखिए एंजाइमों के निम्नलिखित विशिष्ट गुण या विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला आता है जो हमने पढ़ा है। देखिए एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या है, जो मैंने पिछले टर्म पर बताया था, एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम का जो पहला गुण है, विशेषता, वो क्या होगी? प्रोटीन प्रकृति। नंबर दो, कोलाइडी प्रकृति। नंबर तीन, वृत्त है आकार। एंजाइम बड़े आकार के अणु होते हैं। अगली विशेषता है विशिष्टता। एंजाइम विशिष्टता चार प्रकार की होती है। अगली विशेषता है अम्लीय व क्षारीय, दोनों प्रकार के क्रियाधारों यानी सबस्ट्रेट से क्रिया करने की क्षमता।
एंजाइम हो, अम्लीय क्रियाधार से भी क्रिया कर सकता है और क्षारीय क्रियाधार है उससे भी क्रिया कर सकता है। इसका मतलब प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अगली विशेषता एंजाइम, इष्टता, और नंबर 7 का है एंजाइम संदमन। या संदमन को कह सकते हैं निरोधन। तो एंजाइम के विशिष्ट गुण या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है प्रोटीन प्रकृति, नंबर 2 है कोलाइड प्रकृति, अगला वृत्ताकार विशिष्टता, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्रिया करने की क्षमता, एंजाइम इष्टता, एंजाइम संदमन या निरोधन। इसमें जो एंजाइम संदमन है ये आगे भी आएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताता हूँ। देखिए एंजाइम संदमन या जो निरोधन है वह होता क्या है, तो एंजाइम क्रियाशीलता को दूसरे रसायनों द्वारा एंजाइम क्रिया को या एंजाइम क्रियाशीलता को दूसरे रसायनों द्वारा कम किया या रोका जा सकता है। जो एंजाइम क्रिया है उसको या तो कम किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। तो ऐसे जो पदार्थ वो एंजाइम संदमक या एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। यहां पर ये तो है शब्द एंजाइम संदमन या निरोधन, और यहां पर है संदमक या निरोधक। जो पदार्थ होगा ना वो एंजाइम संदमक या निरोधक कहलाएगा। तथा इस प्रक्रिया या इस गुण या विशेषता को एंजाइम संदमन या निरोधक कहते हैं। देखिए एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, एंजाइम संदमन क्या होता है या एंजाइम निरोधन क्या होता है। एंजाइम क्रियाशीलता को दूसरे रसायन द्वारा कम किया या रोका जा सकता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं वो एंजाइम संदमक या निरोधक कहलाते हैं। तथा ये जो प्रक्रिया है या जो विशेषता है वो क्या कहलाएगी, एंजाइम संदमन या निरोधन कहलाती है। जो अगला टॉपिक है वह है एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। उसमें पहला है तापमान। देखिए एंजाइम क्रिया के लिए जो अनुकूल तापक्रम होता है वह है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिए एंजाइम क्रिया के लिए अनुकूल तापक्रम कितना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अधिक ताप हो यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप हो तो तापीय विकृतीकरण, तापीय विकृतीकरण के कारण जो एंजाइम की जो गति है अभिक्रिया गति है वो मंद हो जाती है। देखिए एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो अधिक ताप होगा तो जो प्रोटीन की जो संरचना होती है वह टूट जाती है और एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा है पीएच। अधिकांश जो एंजाइम है वे 5 से 7.5 पीएच प्रास में दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं। वैसे सभी एंजाइमों के लिए नहीं है पीएच प्रास,
लेकिन अधिकांश जो एंजाइम हैं वे 5 से 7.5 पीएच प्रास में दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं। नंबर 3 है क्रियाधार की सांद्रता। नंबर 4 है एंजाइम सांद्रता। नंबर 5 है अंतिम उत्पादों की सांद्रता। अंतिम उत्पादों की सांद्रता और नंबर 6 है एंजाइम निरोधक एवं आवेश। एंजाइम निरोधन एवं आवेश। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एंजाइम संधमन या एंजाइम निरोधन, तो यहां पर एंजाइम निरोधन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम करते हैं एंजाइम संधमक या फिर निरोधक कहलाते हैं और ये क्रिया कहलाती है एंजाइम संधमन या एंजाइम निरोधन कहलाती है। और जो संधमन जो क्रिया है इसी को निरोधन बोलते हैं। एंजाइम संधमन जो क्रिया है वह है दो प्रकार की होती है, यानी संधमन क्रिया या निरोधन क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है प्रतिस्पर्धी संधमन। प्रतिस्पर्धी संधमन यहां पर प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा इसमें। एक तो मैंने बताया जो क्रियाधार है सबस्ट्रेट है वो, और एक जो निरोधक पदार्थ है वो, इन दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। तो यहां पर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं प्रतिस्पर्धी संधमन का। देखिए मेलिक अम्ल होता है, मेलिक अम्ल सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। मेलिक अम्ल सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। मेलिक अम्ल सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। ये कॉम्पिटिशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्सिनिक अम्ल के प्रतिस्पर्धी निरोधक का नाम बताइए, तो आपका राइट आंसर है मेलिक अम्ल। अब प्रतिस्पर्धी जो संधमन है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो प्रतिस्पर्धी संधमन को रोकने के लिए क्रियाधार की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। क्रियाधार इन सबस्ट्रेट की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धी संधमन को रोकने के लिए क्रियाधार की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। संधमन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला है प्रतिस्पर्धी संधमन और दूसरा है अप्रतिस्पर्धी संधमन। तो अप्रतिस्पर्धी संधमन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंजाइम की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। तो आज के इस पार्ट नंबर 22 के अंतर्गत हमने शेष रही वीडियो नंबर 21 की एंजाइम की संरचना, इसके अलावा अगला टॉपिक पढ़ाना एंजाइम के विशिष्ट गुण या विशेषताएं, और लास्ट मुड़ा एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।